ऊपर जाके तो नहीं यार। वो तो हम कर लेंगे। आदिल भाई एक काम करते अपन, वो ऊपर की। मध्य प्रदेश के बैतूल के सारणी इलाके के बागडोना में एक घर के अंदर पिछले लगभग 1.5-2 महीने से कोबरा सांप का बसेरा था। खतरनाक कोबरा ने कुछ अरसा पहले घर में खरगोश को काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, परंतु घर वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। घर में कुछ हफ्तों से चूहे भी नहीं दिखाई दिए थे। 3 जुलाई की सुबह घर में मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज आई। जब लोगों ने जाकर देखा तो सामने वाले कमरे में एक मुर्गी मृत पड़ी थी, कुछ अंडे भी गायब थे। आसपास देखा तो कोबरा फन काढ़े बैठा दिखा। ये देखकर लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैल गई। फिर सारणी के ही एक सर्प विशेषज्ञ आदिल खान को सूचना मिली। आदिल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरा कमरा चेक किया, लेकिन तब तक कोबरा कहीं छिप चुका था। फिर उनकी नजर कमरे में ही मौजूद चूहे के एक बिल पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने घर की दीवार तोड़ने को कहा। दीवार में चूहे के बिल बहुत अंदर तक फैले हुए थे। दीवार का काफी बड़ा हिस्सा तोड़ने के बाद भी जब सांप नहीं मिला तो लोगों ने सांप मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद आदिल ने अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू करके दीवार में बने बिल के सामने रखा। उस वीडियो में कोबरा सांप अंदर बैठा नजर आया। जब कोबरे का ठिकाना पता चल गया तो उसके रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हो गई। दीवार को सुरक्षित रूप से तोड़ा गया और सांप को आखिरकार वहां से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया था, जिस पर मैं उनके घर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि उनके यहाँ 2 मुर्गी मृत पड़ी हुई थी और सांप ने कुछ अंडे खाकर घर में ही कहीं छुप गया था। जिसके बाद काफ़ी तलाशी लेने के बाद, काफ़ी जगह चेक करने के बाद, मुझे उन्हीं के घर के अंदर एक बिल नज़र आया, जिसके हमने जो कि दीवार में बना हुआ था। उसकी हमने खुदाई शुरू करी तो लगभग 3 या 4 फीट बाद हमें वहाँ पर एक कोबरा सांप दीवार के अंदर ही छुपा हुआ मिला। तो उन लोगों ने बताया कि उनके घर में लगभग 1.5-2 महीने से चूहे दिखना बंद हो गए थे और एक खरगोश पला हुआ था, जिसकी 2 हफ्ते पहले ही कोबरा की बाइट से मृत्यु हुई थी। पर किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि 1.5-2 महीने से एक कोबरा जैसा बेहद विषैला सांप उनके घर में ही रह रहा था। तो ऐसा बहुत कम से ही देखने को मिलता है कि एक इतना विषैला सांप लोगों के घर में रह रहा है और लोगों को इसकी भनक भी ना लग पाए। बाद में इस कोबरा को सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के जंगल में छोड़ दिया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट।